Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the release of final answer key and scorecard for your June 2022 examination. So क्या probability है कि आपका scorecard कब तक release होगा और आपकी final answer key कब तक update होगी by NTA. So we will discuss this in detail by comparing with the other examination जो previously मतलब CSIR की तरह का जो examination NTA के through conduct कराया गया था उसमें कितना time लगा था उसके कंपैरिजन में हम डिस्कस करेंगे. होपफुली इस बार भी लास्ट टाइम की तरह जो है रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगा. लाइक लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 17 फरवरी को हुआ था एंड उसके बाद 24 मार्च को आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया था. मींस अराउंड वन वीक आपको लगा था आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में. सो काफ़ी फास्ट हो गया था सब कुछ. सो इस बार भी अगर हम इसी चीज़ को कंसिडर करें कि होपफुली सब कुछ फास्ट हो जाएगा तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 17 ऑफ सेप्टेम्बर 2022 में हुआ है फॉर जून 2022. तो आपके एग्ज़ाम के बाद आपका 1 अक्टूबर को आपका जो है प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दिया था जिसके थ्रू आपने अपने रॉ मार्क्स कैलकुलेट किए थे. और आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन को भी चैलेंज किया गया है जिसका आंसर आपको लगता है कि सही नहीं है. तो 3 अक्टूबर तक आपका चैलेंज आंसर की भी कम्प्लीट हो गया था. अब चैलेंज आंसर की कम्प्लीट हो गया है तो आई थिंक जो स्कोर कार्ड है विथ परसेंट वो आपका मिड ऑफ अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा. बिकॉज थोड़ा टाइम तो लगता है आपने जो क्वेश्चंस को चैलेंज किए हैं उसको वेरीफाई करने में और आंसर की को अपडेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. उसके बाद अगर आंसर की अपडेट होती है तो बहुत सारे बच्चों के रॉ मार्क्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं. बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं मे बी उनको एडिशनल मार्क्स मिले या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको जिसमें सबको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रॉ स्कोर है वो चेंज होगा बिकॉज अगर फाइनल आंसर की में अपडेशन होगा. तो उसके बाद ये सब अगर आपका रॉ स्कोर चेंज होगा देन आफ्टर दैट जो है दोनों ही शिफ्ट को मिला के एक परसेंटाइल थ्रू नॉर्मलाइजेशन रिलीज़ किया जाएगा बाई NTA. तो आई थिंक ये सब करने में मिड ऑफ अक्टूबर या फिर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ फास्ट होगा तो मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका जो है परसेंटाइल बाय नॉर्मलाइजेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा. और जैसे ही आपका परसेंटाइल रिलीज़ होगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है. बिकॉज इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक 99 point something परसेंटाइल सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जनरल कैटेगरी में JRF क्वालिफाई कर जाएं. बट इफ़ यू आर स्कोरिंग 97 or 98 मे बी यू आर एट बॉर्डर कैटेगरी. सो ये डिसाइड करेगा कि आपका परसेंटाइल कितना है थ्रू परसेंटाइल. जो आपका 50% रिजल्ट है वो क्लियर हो जाता है एंड आफ्टर दैट जैसे ही परसेंटाइल रिलीज हो जाएगा मिड ऑफ अक्टूबर में तो NTA जो है इस परसेंटाइल को CSIR को हैंड ओवर कर देता है. तो CSIR का अब काम है कि वो कट ऑफ को लाइक कितने नंबर ऑफ JRF उन्हें देने हैं कितने नंबर ऑफ LFs उन्हें देने हैं. तो उस तरीके से CSIR के थ्रू जो है कट ऑफ को रिलीज़ किया जाता है और उसके थ्रू ही लिस्ट को रिलीज़ किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को JRF मिलेगा कितनों को LS मिलेगा. तो CSIR को भी ये सब करने में थोड़ा टाइम तो रिक्वायर्ड ही होता है बिकॉज कट ऑफ रिलीज़ करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट सब कुछ प्रिपेयर करना है. सो इट विल टेक अराउंड आई थिंक 10 days or 15 days. सो बाय अगर सब कुछ बहुत जल्दी होता है तो आपका जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है और कट ऑफ है उसका रिलीज़ करने का डेट आई थिंक मिड ऑफ अक्टूबर सॉरी एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है. और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो बाय November 1st or 2nd week आपका जो रिजल्ट है विथ कट ऑफ रिलीज़ कर दिया जाएगा. सो आई थिंक इट विल टेक अराउंड सम टाइम आपका रिजल्ट बाय November 1st week, 2nd week और थोड़ा अगर जल्दी होता है तो अक्टूबर एंड तक रिलीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. होपफुली जब आपका परसेंटाइल रिलीज होगा और स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा सो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू कि आपका जो आप बॉर्डर कैटेगरी पे हैं या आपका क्वालिफाई होने ही वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.